फ्रेंड्स, मैं हूँ आसमा और आप देख रहे हो क्रेजी स्टडी। सबसे पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्लीज प्रेस कीजिए, ताकि जितना वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल है जो आप तक पहुँच सके। आने वाले कुछ ट्रिक बताएंगे एटॉमिक मास जो है पीरियडिक एलिमेंट्स 1 से लेकर 20 तक जितना पीरियडिक एलिमेंट्स है उसको उसका एटॉमिक मास को आप कैसे याद रखेंगे उसका ट्रिक हम आपको बताएंगे। जैसे पहले वाला वीडियो में हम आपको बताया है उस एलिमेंट को आप कैसे याद रखेंगे, कौन सा एल्काइल ग्रुप का है, कौन सा एल्कली है, कौन सा हैलोजन है, कौन सा नोबल गैसेस है, इसको याद रखने का हम बता चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे एटॉमिक मास, वही सब एलिमेंट का एटॉमिक मास को आप कैसे याद रखेंगे। ये है आपका पीरियडिक टेबल, पूरा होल पीरियडिक टेबल हम इसमें दिखा रहे हैं आपको। देखिए पहला एलिमेंट जो है हाइड्रोजन है, जिसका एटॉमिक नंबर है 1। ठीक है, इसमें 1 to 10 हम दिखाए हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरन 5, कार्बन 3, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 और फ्लोरीन 9, नियन 10। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो इजीली हम याद कर लेंगे, लेकिन एटॉमिक मास को कैसे याद रखेंगे, जैसे 1, 4, 7, 9, 11 ऐसे आप याद नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक ट्रिक है, जिसका एटॉमिक नंबर है ऑड नंबर जिसका है एटॉमिक नंबर, उसको आप पहले 2 से इंटू करेंगे, फिर उसके बाद 1 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऑड नंबर ऑड एटॉमिक नंबर को हम 2 से इंटू करेंगे और 1 के साथ प्लस करेंगे तो उसका एटॉमिक मास मिल जाएगा। और जिसका एटॉमिक नंबर इवन नंबर है तो उसको बस 2 से इंटू करेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोले आपको, ऑड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 के साथ प्लस करेंगे, लेकिन इवन नंबर को बस 2 के साथ इंटू करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ एक बता रहे हैं, देखिए लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो 3 × 2 = 6 + 1 = 7। ठीक है, और इवन नंबर देखिए हीलियम, हीलियम का 2 है तो 2 × 2 = 4। ऐसे आप देखिए सारा नंबर को आप चेक करेंगे तो ऐसे ही होगा, लेकिन इसमें हम दिखाए आपको बेरिलियम और नाइट्रोजन इसमें एक्सेप्शन है, क्योंकि इसका देखिए 4 है एटॉमिक नंबर बेरिलियम का, तो 4 को आप क्या करेंगे, इवन नंबर है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके आपका क्या निकलेगा, 4 × 2 = 8, लेकिन इसका एटॉमिक मास जो है इसका 9 है, तो ये आपका ट्रिक वाइज काम नहीं हो रहा है। तो ये एक एक्सेप्शन है, और एक नाइट्रोजन है, इसका 7 है ऑड नंबर, तो ऑड इंटू 2 + 1 होता है, तो 7 × 2 = 14 + 1 = 15 होना चाहिए था, लेकिन इसमें 7 × 2 = 14 हुआ है, तो यही एक है एक्सेप्शन है। ठीक है, इसमें 4 × 2 + 1 बेरिलियम के लिए हो जाएगा और नाइट्रोजन में 7 × 2। तो आप इसको ट्रिक वाइज याद कर लीजिए, खाली याद रखिएगा एक्सेप्शन बेरिलियम और नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर वाइज 13, 14, 15, एल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम। ठीक है, तो सोडियम का इसमें भी सेम है, ऑड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1 और इवन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई, तो सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 11, तो ऑड नंबर हो रहा है तो ऑड इंटू 2 = 22 + 1 = 23। देखिए इसका एटॉमिक मास 23 है। ठीक है, और इवन नंबर 12 × 2 = 24। ठीक है, ऐसे आप सबको चेक कीजिए, ऐसे ही हो रहा है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें है क्लोरीन और आर्गन। ठीक है, क्लोरीन 17 जो है वो ऑड नंबर है, तो 17 × 2 कितना होना चाहिए, 34 + 1 = 35 होना चाहिए, लेकिन इसमें एटॉमिक मास कितना हो रहा है, 35.5 हो रहा है। और आर्गन जो है 18 है, तो 18 × 2 = 36 होना चाहिए, लेकिन इसमें मास कितना दिया हुआ है, 40 है। ठीक है, तो यही इसमें दो वो एक्सेप्शन है।
थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।